दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी अपने लंच में रोहू फिश। मैंने मछली अच्छे से धो लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। रख देंगे 10 से 15 मिनट तक मैरिनेशन के लिए। मैरिनेट होते रहेगा। हम इस तरह से अच्छे से उसको मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया। अब इसको हम बनाएंगे अपने बंगाली तरीके से। वो होगा हम फूलगोभी और आलू की सब्जी। सरसों का तेल ले लेंगे। कढ़ाई पूरा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके फिश तल लेंगे। हमने फिश तल लिया है। ये सारा हम दे देंगे, इसी से बनाएंगे। अब हम ले लेंगे उसी तेल में फोड़न, कलौंजी, कालो जीरे बोलते हैं हम लोग। अब डाल देंगे इसमें सब्जी। आलू और फूलगोभी काट लिए हमने, धो लिया, डाल दे रहे हैं अब इसको। इसमें डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। दोस्तों, सब्जी में उबाल आ चुकी है। अभी हम सारा फ्राइड फिश डाल देंगे। डालेंगे गरम मसाला। ये हमने खुद बनाया था घर पे। सारा खड़ी गरम मसाले जो है उसको हमने तवे पे भून कर पाउडर बना लिया था। जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, स्टार ऑनिस और लौंग, दालचीनी, गोलकी, इस मतलब पेपर, ब्लैक पेपर, ये सारा हमने भून कर और उसके बाद हमने पाउडर बना लिया था। अब हम इसको ढक देंगे और पका लेंगे सीम से थोड़ा ऊपर, फ्लेम मतलब मीडियम के नीचे। जब तक पक जाए तो ढके रहेंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने बीच में हिला दिया था, बीच बीच में इसको। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ एक टमाटर, इस छोटा साइज का। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। और ये मेरी सब्जी बनकर तैयार। कर देते हैं गैस ऑफ। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, रेसिपी वाले ब्लॉग के साथ।